ये रास्ता हम उपाध्याय माधोपुर खंडार से लेके हुए यहाँ तक पहुँचेगा। ये फोटो वोटो का जग नहीं, आप तीन दिन चार दिन हो गए मेरे आपके इस भरतपुर संभाग में, और मैं हैरान हूँ देख के कि अभी भी यहाँ के लोग जैसे जानवर जीते वैसे रहते हैं। रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, टीचर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और फिर भी कोई नहीं बोलता है। बिल्कुल सही। फिर मैंने कांग्रेस की इतनी गंदी साजिश है, और ये लगातार कामयाब हुए हैं 65 साल से, सबको लड़ा के रखी। बिल्कुल सही। सबको लड़ा के रख दिया है, मेड़ों को इधर लड़ा दिया है, दूसरों को उधर झोंक दिया है, उधर झोंक दिया है। अभी ये चल रहा है जो मैं देख रही हूँ, मुसलमान हिंदू को फिर से झगड़ा करना कराने की फिर हाथ में, क्योंकि फिर वोट मिलेगा। अगर नहीं झगड़ा होगा इनके बीच में, दोनों जन प्रेम से चलेंगे, सब पूरे जाति प्रेम से चलेंगे, तो वो तो एक आवाज में बोलेंगे कि हमें विकास चाहिए राजस्थान में। कौन पागल है जो कहेगा मेरे को रखते जीवित रखो और सबको मार डालो? कोई नहीं है सर। सब लोग ये चाहते हैं कि हम लोग एक साथ प्यार से रहें ताकि हमारा काम हो जाए। अब मैं आपका देख रही हूँ, देखो पेयजल की जोरदार समस्या, आपकी दो दो तीन तीन दिन में आधे घंटे का सप्लाई मिलता है, कैसे जीते हो? क्या मतलब है, कहाँ से आती है? मैं तो सोचती हूँ कि तुम्हारे सब लोग कुंवारे ही होने चाहिए, कौन सी महिला आएगी इस घर में? आप लोगों को तो मैं बहुत दाद दूं कि मैंने आधा घंटा सप्लाई मिलता है, आधे घंटे से आप लोग काम चलाती हो, कैसे करते हो मालूम नहीं। फिर यहाँ लिखा हुआ है आपके गांव की सड़क बिल्कुल ही बेहाल। बिल्कुल बेहाल है। बैंक खोलने की मांग, एक तरफ तो देखो तो आप लोग क्या, एक तरफ तो बैंक खोलने की मांग, एक तरफ तो बैंक खोलने की मांग करते हो, और दूसरी तरफ सड़क ही नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बिजली की घंटों नहीं आती है। एक सर्वे वाले ने मेरे को ये कहा कि साहब आप ये बिजली पानी के बारे में क्या कर रहा है? एक सर्वे वाले ने मेरे से कहा कि आप ये बार बार कहते हो, गांव में जाते हो बोलते हो बिजली नहीं पानी नहीं, और गांव वाले बोलते हैं हाँ नहीं है, हाथ दिलाते हैं, सब करते हैं। मैंने कहा हम तो इनके बीच में घूमते हैं और हमने तो कई सर्वे कर लिए हैं, मेरे को आज दिन तक एक भी गांव वाले ने अपने कठिनाइयों के अंदर न बिजली का नाम लिया न पानी का नाम लिया। मैंने कहा इसलिए नहीं लिया क्योंकि 50 साल से इनका कोई इस संदर्भ में किसी ने मदद नहीं की, तो वो तो आप बेचारे इसमें जीना, वो जानते हैं कि भाई हमें इसमें जीना है, बोलने से कोई मदद मिलने वाली है नहीं, इसलिए बोलते नहीं है बेचारे। नहीं तो ऐसा नहीं है कि संकट नहीं है, मुझे बताओ आपको पूरी बिजली मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। मैंने उस सर्वे वाले को कहा मेरे साथ चलो तो सही, तुम यहाँ खड़े हो जाओ, तुम क्यों पूछते नहीं उनसे? उसने कहा मैंने पूछा तो बोले यहाँ रास्ता नहीं है, बोले यहाँ बच्चे बेरोजगार हैं, बोले यहाँ महंगाई है, परंतु कोई बिजली पानी का बोला नहीं। मैंने कहा तुम बोलो जैसे मैं पूछ रही हूँ, बिजली है क्या तुम पूछो क्या बोलते हो? नहीं डॉक्टर है, सीधे बोलेंगे आपको नहीं है, उनसे पूछो आप पीने का पानी है बोलेंगे नहीं है, बोलो मुफ्त जांच हो रही है क्या, मुफ्त दवाई मिल रही है बोलेंगे नहीं, डॉक्टर ही नहीं है तो कैसे करेंगे, बैठते नहीं है। अरे एक चीज ध्यान रखो जी, आपकी जो मुसीबत है ना वो पास के गाँव की है, और जो उसकी है ना वो गंगानगर वाले गाँव की है, और जो उसकी है वो जोधपुर वाले गांव की है, और जो उसकी है वो जयपुर वाले गांव की है, पूरे राजस्थान में है ये कोई आपके लिए जो नया बनाया हुआ क्षेत्र वो नहीं है, सब दूर है। पर क्या ख्याल रखा है, मैं 60 साल आप लोगों को एक दूसरे से भिड़ा भिड़ा के अपना वोटों का फायदा लिया। मैं जब पहली दफा नहीं धौलपुर लड़ने के बाद जब मैं गाँव में जाना शुरू कर दी, तो वहाँ के जो MLA 40 साल से हुआ करते थे वो मेरे से चाय पीने आए, उन्होंने कहा यार साहब महारानी साहब आप ये क्यों बिगाड़ रहे हो सबको? मैं क्यों? आप तो इनको बिगाड़ रहे हो, क्यों इनको बिठा बिठा के आप पूछते हो अरे बोलो खेचू है, अरे बोलो डॉक्टर है, क्यों बोलते हो ये? इनको आदत नहीं है कोई पूछे इनसे, इनको तो अपने चक्कर के अंदर इतना फंसा के रखो कि इनको टाइम ही नहीं है पूछने को। 40 साल राज किया है, देखो आप देखिए कभी हमें कोई मुसीबत नहीं हुई, इनको दुखी करके रख दिया कि वोट मिल जाते हैं। और आपको मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ये पूछोगे तो अगले बार जीतोगे नहीं, और वही हुआ 40 साल से तो वो जीता आपको दुखी रख के मुसीबत में अड़ा के, वो जीत के आया। और मैंने जब जाके लोगों के गांव में जाना, उनका भी गांव में जाते नहीं थे, जब कोई ओलावृष्टि हुई तो मैं गई 5-5 दिन गांव में घूमी इधर उधर, सब लोगों से पूछा, और मैं वापस आऊं दूसरे दिन अखबार पढ़ूं तो इतने बड़े बड़े उनका
उस पर लिखा हुआ, इतना देखा, इतना हुआ और इतना। मैं जानती हूँ तुम तो गांव में गए ही नहीं, और किसी को मालूम ही नहीं कि वो गांव में नहीं गए। जिस गांव के बारे में वो बोल रहा है उसको तो मालूम है ये झूठ बोल रहे हैं, परंतु वो 240 दूसरे गांव जो है उनको तो नहीं मालूम। उनको लगता है वाह सेठ जी कितने बढ़िया है, देखो गांव में जा जाके सबसे पूछ रहे हैं। और हम, क्योंकि हम लोग 24 घंटे 5 दिन पूरे गांव के अंदर घुसे हुए थे, हमको टाइम ही नहीं हुआ अखबार वाले से बात करने को कि भैया मेरी ये स्थिति हुई है, मैं वहां गांव में गई, मैंने ये पता किया। ये तो कांग्रेस है, और इस कांग्रेस को अपन ने 55 साल दिला दिया, अब तो छुटकारा करो भैया, कहीं तो राजस्थान में हम लोगों को आगे तो बढ़ने दो। मध्य प्रदेश निकल गया, मध्य प्रदेश निकल गया, गुजरात निकल गया, छत्तीसगढ़ निकल गया। हमारी सीएम कैसी हो? राजस्थान में निकलेगा, आप देख लीजिए। तमिलनाडु निकल गया, आंध्र प्रदेश निकल गया, ये सब तो निकल गए, और हम लोग वैसे के वैसे ही बैठे हुए हैं। अब चाहिए हमको अच्छे लोग, हमको चाहिए ऐसे लोग जो एक दूसरे को झगड़ा नहीं कराते, हमको चाहिए ऐसे लोग जो नहीं कहते। अभी मैं गांव से निकल रही थी, एक ने बोला साहब एक मिनट रुकिए हमको जवाब दीजिए, क्या हुआ भैया? पटेल जी बोलो। बोले साहब हमारा, आप हमारा आरक्षण नहीं लेंगे आप। ये तुम्हारा आरक्षण कौन ले रहा है भैया? हमको मालूम है हमारे तो आरक्षण आप देने को कोई विराट में। हमने कहा वो गुजर तो कहता है आप आरक्षण देते नहीं हो, तुम कहते हो हमारा आरक्षण लेके दे रहे हो, तुम काहे के फंस रहे हो जी? हम कह रहे हैं अच्छी बड़ी रोटी है राजस्थान की, उस रोटी में सब लोग खाएंगे, थोड़ा सबको मिले, हम तुम्हारे में हाथ उंगली नहीं डाल रहे, हम उनको अलग से दे रहे हैं, और साथ में 14% अलग से दे रहे हैं, सब लोग खुश हो। एक दूसरे के ऊपर ऐसे बांध माने ऊपर करके क्यों खड़े हो जाते हो? मेहरबानी करके अब इस चीज को छोड़ो, अब हमारे पास समय नहीं है। अगर हम नहीं अभी चेत जाते और अगर हम अभी अपना काम करना शुरू नहीं करते तो भगवान भी आ जाएगा ना, हमारा काम नहीं होना है, नहीं होना है। इसलिए माताएं बहने और ये सब छोड़ दो, कभी यहाँ मेरे को श्याम सिंह जिंदाबाद, राम सिंह जिंदाबाद, केम सिंह जिंदाबाद, अरे छोड़ो जी, आप तो हमारी तरफ देखो, हम लोगों को लड़ना है, हम लोगों को काम करना है, हम आप लोग सबसे पूछ के करेंगे, अच्छे आदमी को निकालने की कोशिश करेंगे, परंतु इस बार ये जरूरी नहीं है कि हमारे सब लोग बदमाश हैं। क्या शर्म नहीं आती कभी कभी जब लोग बोलते हैं कि ये तो बदमाशों का गांव है? आपको कैसे लगता है? कैसे लगता है? बहुत बुरा लगता है। सब दो आदमी हर एक जगह पे बदमाश होते हैं जी, करेक्ट। अपने परिवार के अंदर भी अपने को एक मिल जाएगा जो बदमाशी करेगा, तो क्या करोगे उसका? सुधारोगे कि हाँ ठीक है हम ऐसे ही हैं सब? सुधारेंगे हम। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी जवान ऐसा नहीं है जिसको दो रोटी मिलने का अगर आसार होता है तो वो नहीं लेगा। उसको अगर कोई रोजगार देने का हम मदद करेंगे, 10 लाख लोगों को बच्चों को नौकरी दी ना, इन्होंने क्यों नहीं दी? किसी को नहीं दिए। आज आप यहाँ घूम रहे हैं तो टीचर बने हुए हमारे हैं ना? सही बात आप मेरे को ये बता दो, 100% जो लोग हैं उसमें से 60% कर्मचारी जो उनकी जगह वैकेंसी है तो ये क्यों नहीं भर सके? टीचर है ही नहीं और वैकेंसी नहीं भरोगे, डॉक्टर है ही नहीं और वैकेंसी नहीं भरोगे। हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाएगी तो सड़क से तो नहीं कूदर आएंगे? कौन सा आदमी चाहता है कलम के परिवार? कौन सा आदमी चाहता है? कौन सा परिवार चाहता है? सब आदमी चाहते हैं कि हम अपने स्वाभिमान की जिंदगी जिए, और राजस्थान के ऊपर तो इज्जत के ऊपर आदमी मर जाता है, इज्जत के ऊपर मरता है। ये तो बाहर के लोग आके हमको बताएंगे, सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे? हम जानते हैं कि राजस्थान के अंदर हमारे पूर्वज से लेकर आज तक लोग हमारी अपने खुद की इज्जत के ऊपर मरे हैं। बोलो बहुत मरे, मरे कि नहीं मरे? मरे कि नहीं मरे? अपने इज्जत के ऊपर मरे, और अपने स्वाभिमान को कोई छोड़ेगा क्या? तो ये नहीं सुनना हमको। और मैंने ये तय कर लिया है कि भगवान की दया से अगर ये सब हो जाता है तो पहले ही ये 3 डिस्ट्रिक्ट को संभालना अपना काम, इसे विश्वास करो। फिर तो मैं कान पकड़ के करूंगी, अच्छा काम कर रहा है उसको प्यार करूंगी, और जो गलत काम कर रहा है उसको कान पकड़ूंगी, क्योंकि ये परिवार का आदमी है। सब लोग जो है परिवार के हैं, और मैंने एक एक को परिवार माना है। यहाँ बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो मेरे परिवार के बड़े बुजुर्ग, यहाँ जवान लोग हैं वो मेरे भाई लोग हैं, यहाँ हमारी माताएं बहनें खड़ी हैं। ये परिवार में प्यार बिखेरो यार, प्यार दो। सबसे सस्ती चीज है प्यार। क्या मुसीबत है, किसी को खरीदना थोड़ी है, पैसे थोड़ी देते हैं, जस्ट प्यार दो एक दूसरे को, देखो क्या मजा आता है। राजस्थान को कोई रोकने नहीं वाला है,
ईश्वर नहीं उतरे हुए ईश्वर हमारी मदद नहीं करेगा तो मैं नाम बदल दूं, देख लेना। अब कहीं नहीं करने की जरूरत। तैयार हो? हाँ तैयार। फिर आ गए तुम, फिर आ गए हुई। मैं तुमको क्या कहा अभी? किसी को नहीं, आप तो इधर देखो। पहले हम तय करेंगे कौन किसको देना है। योग्य आदमी होगा और योग्य आदमी को अपन टिकट देंगे, वो योग्य आदमी आगे ले जाएगा और तय करेगा इस क्षेत्र को उस मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगा। और सबसे पहले सबको कहेगा प्यार बटोरो। अरे पटेलो प्लीज समझो। समझे कि नहीं समझे? समझ रहे। मैं कोई गलत बात बोल रही हूँ तो बताओ तुम गलत कह रही हो, और अगर मैं सच कह रही हूँ तो जुड़ो भैया। अब तो बहुत टाइम हो गया, अपने पास समय नहीं है। ठीक है मिसेज रामराज, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को ये बहुत सुंदर सी चुनरी पहनाई। सबको